टॉपिक है हमारा, वो है रिकॉर्डिंग हैंगमैन स्टार्ट करते एंड हैं। वर्ड। जी, कर दिया, वर्ड मैचिंग गेम। ठीक ठीक है, हैंगमैन और वर्ड मैचिंग गेम है ना, वो आपस में काफी मिलती जुलती गेम है। ठीक है, सबसे पहली पहली चीज ये है कि हैंगमैन गेम है क्या। अगर आपने हैंगमैन देखी हो ना, तो होता ये है कि मिसाल के तौर पे, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। अब ये पांच है ना, ठीक है। अब ये इस तरह से पहले आपको डैशेस दिखने में आएंगे, ठीक है। और बंदा होता है वो लड़का, मतलब वो तो खैर कैरेक्टर होता है। आप चाहते हैं एक बंदा सी आउट कर दें, जो पहले जिसकी जिसका सर लटक बिल्कुल सीधा हो, फिर उसका सर लटक जाए। ठीक है, हैंगमैन का गम का मतलब ये होता है। अच्छा, करना क्या होता है इस गेम में? इस गेम में करना ये होता है कि आपके पास कुछ डैशेज आएंगे, आपने करना है ये है कि आपने डैशेस को गेस करना है कि इससे वर्ड कौन सा बन रहा है। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने सिलेक्ट किया, मैंने कहा ए। अब ए इसमें, या लेट सपोज पी, मैंने सिलेक्ट किया पी। अब पी इसमें जहां जहां पे होगा ना, वहां वहां पे पी आ जाएगा। मतलब इस डैशेस को रिमूव करके जहां जहां पे भी पी आना था, वहां पे पी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ताकि अब आप और मजीद अच्छे तरीके से गेस कर सकें। आपके पास टोटल 3 बारियां होंगी, ठीक है, इसको वर्ड को गेस करना है। फिर मैं कहता हूँ शायद यार वर्ड जो है ना, ये बनता है बी। अब बी इसमें कोई नहीं है, बी मेरे ख्याल में, मेरे वर्ड में बी है ही नहीं। ठीक है, अच्छा फिर आप कहते हैं एल। अच्छा जी, अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि वर्ड कौन सा है। अब आप कहेंगे ई, तो ऑटोमेटिकली ई इधर आ जाएगा। ठीक है, ओके। फिर आपने कहा ए, ठीक है, ए, तो ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब आपने वर्ड जो है ना, वो बिल्कुल परफेक्टली जो है ना, वो गैस कर लिया। आप जीत गए गेम को। अगर आप वो वर्ड सही तरीके से गैस नहीं कर पाते, तो आप हार जाते। इसी तरह से जो वर्ड मैचिंग गेम है, उसमें भी एग्जैक्टली यही काम है। किस तरह से? बट उसमें थोड़ा सा जो डिस्प्ले है ना, वो चेंज है। मतलब आपने ना सारे डैशेस नहीं डालने, ठीक है, आपने कुछ इसमें से चीजें छोड़। सपोज आप इसमें कह देते हैं कि बीच वाला वर्ड है ना पी है, आप इसमें एक दो, अगर वर्ड फंस गए, पांच साइज का है ना, तो आप उसमें से दो या एक वर्ड उसको शो कर दे, ठीक है, फिर वो गैस करेगा। तो हैंगमैन और तकरीबन वो दोनों सेम ही है, ठीक है ना। ये यहां तक समझ में आ गई बात कि हैंगमैन और उसमें क्या आपको करना होगा। इसमें अगर किसी को इशू है तो साथ साथ मुझे बताता जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर आपको इशू नहीं है, तो एक और चीज है इंटरेस्टिंग कि अब इसको अटेम्प्ट कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन को, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कहाँ से किया जाए। देखें, हमारे पास जो गेम है ना, वो उसमें हो ये रहा है कि हमारे पास एक वर्ड आता है, हमने उस वर्ड को क्या करना है, हमने उस वर्ड को जो है ना यूजर को शो करना है। उस वर्ड के जितने डैशेस, सबसे पहले पहले यूजर को शो करने हैं, फिर वो यूजर गैस करेगा, और अगर उसने गैस कर लिया तो मुबारक है, वरना मुबारक नहीं। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले पहले हमें वर्ड्स चाहिए। देखो ना, अब फर्ज करें मैंने आपकी गेम एक दफा खेली, अगली दफा मैं गेम खेलूं, पहले भी मुझे एप्पल नजर आया, दोबारा भी मुझे एप्पल नजर आया, फिर तो मैं इजीली गेस कर लूंगा। तो आपके वर्ड जो है ना, उसकी अच्छी खासी डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि मैं तो खैर आपको जो है वो कहूंगा कि कम से कम 20 जो है ना वर्ड आपके होने चाहिए। 20 से वैसे ज्यादा हो तो अच्छा है, बट कम से कम 20 वर्ड होने चाहिए। तो आपको करना ये चाहिए कि एक कैरेक्टर अरे आप बना लें, ठीक है, उसके अंदर आप वर्ड रख लें इस तरह से, मतलब एप्पल, ठीक है, लेट्स सपोज स्पेलिंग का खैर है, सारे आप छोटे में ही लिख दें, कोई मसला नहीं, वो फिर बाद में आप चेक चेक लगा दिए। कॉमा देके ना वर्ड को सेपरेट कर लें आप। एप्पल लिख दिया आपने, फिर बुक लिख दिया, कोई भी वर्ड, आप दुनिया के कोई भी स्पेलिंग आप लिख सकते हैं इसमें। वर्ड एप्पल है, बुक है, उसके बाद और कौन से वर्ड हो सकते हैं, शाबाश, और कौन से हो सकते हैं बताते जाएं, शाबाश, टीचर है, पेन, और वर्ड होते हैं जी, पेन, मोबाइल, पेन, पेंसिल। मोबाइल है, ठीक है। इस तरह से आप 20 कोई वर्ड जो है ना इसमें सेव कर लें, इस तरह से, ठीक है। अब ये अरे के अंदर क्या है, डिफरेंट वर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपके साथ एक कोड शेयर करूंगा, इंशाल्लाह जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, सी सेक्शन को तो मैंने बता दिया था, आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में जो जी सेक्शन है और आर सेक्शन है, उसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फाइल से डेटा को रीड भी कर सकते हैं, मतलब आप, क्योंकि देखो ना इतनी बड़ी अरे को स्टोर करना बहुत मुश्किल है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा, जिसमें मैं कोई 7,000 के करीब जो ना इंटीजर्स, वो फाइल में कैसे रीड करते हैं वो बता दूंगा। तो आपकी मर्जी है, आप फाइल हैंडलिंग हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, अगर आप उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहते कोई मसला नहीं, ठीक है।
बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका पोर्ट्रेट और अच्छा दिखने में आए तो आप उसमें फाइल हैंडलिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो फाइल हैंडलिंग का कोड बना बनाया मैं आपको दे दूंगा, वो आप इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं देना भूल जाऊं आपके इस प्रोग्राम के लिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। उसे होगा क्या, उसमें सिर्फ ये होगा कि फाइल में जो भी वर्ड आप लिखोगे ना वो अरे में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब ये देखो ना, अभी हम इतना बड़ा लंबा लिखते जाएंगे तो बहुत खराब लगता है, तो फाइल हैंडलिंग से ये होगा कि आप बहुत सारे वर्ड रीड कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब ये अरे के अंदर वर्ड आ गए कामा सेपरेटेड, वो कैसे भी आ गए, फाइल से आ गए या आपने इनपुट लिया है या आपने जो भी किया है उस वो आपने कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब अरे में वर्ड आ गए, अब हमें सबसे पहले पहले मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बल्कि नेक्स्ट क्लास में ये भी बताऊंगा कि वर्ड को सेपरेट कैसे करेंगे हम, ठीक है। एक पैराग्राफ में से वर्ड को सेपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब वहां पे आप देखो, असल में हमने करना क्या है, हमने करना ये कि एक लूप चलाना है नल तक, और उसमें से एक और लूप चलाना है जो क्या करेगा, एक टेम्पररी अरे बना ले, उसमें ये बिस्मिल्लाह करें जीरो इंडेक्स है और कॉमा तक रीड कर दिया, या आप गेट लाइन भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। गेट लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे रीड करना है बट गेट लाइन कॉमा तक रीड करना, कॉमा से आगे मुझे रीड नहीं करना, ठीक है ना। गेट लाइन वैसे तब यूज हो सकता है जब हम फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, बट हम अब फाइल हैंडलिंग तो कर नहीं रहे तो आप गेट लाइन यूज नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम सारा कंसोल बेस्ड प्रोग्राम बना रहे हैं। तो आपको मैं आपके लेवल पे बता देता हूँ, आप एक अरे बनाए जिसका नाम फर्ज करो टेम्पररी अरे, वो क्या करे कॉमा तक जो है ना सारी चीजें अपने में स्टोर करते, एप्पल, अब ये एप्पल स्टोर हो गया, ठीक है। अगर हमें दूसरा वर्ड स्टोर करना है तो कॉमा के बाद से लेके अगली कॉमा तक बुक, फिर अगली कॉमा तक टीचर, इस तरह से इसमें वर्ड आते जाएंगे। तो आपने एक लूप लगाया होगा, उसके अंदर आपने कंडीशन लगाई होगी कि भाई इस अरे के अंदर स्टोर करना शुरू करो, जैसे ही कॉमा आ जाती है आपने क्या करना है, आपने नल रख देना है टेम्पररी में और ये आपका वर्ड निकल गया, ठीक है। बट इसमें एक इशू है, इशू ये है कि ये तो सिंपल हमेशा एप्पल ही उठाएगा, पहला वर्ड तो हमेशा एप्पल ही उठाएगा, नहीं। आपने क्या करना है, आपने पहले एक रेंडम नंबर जनरेट करना है। ये मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं इसके, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। सबसे पहले पहले कहा है कि आप 20 के करीब कम से कम वर्ड जो है ना वो इनिशियलाइज कर लें, ठीक है। पिक ए रेंडम नंबर, एक रेंडम नंबर आप जनरेट करें, कोई भी रेंडम नंबर, और वो रेंडम नंबर अगर वर्ड आपके 20 है तो एक से लेके 20 तक जो है ना वो रेंडम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब इस ये नंबर हम क्यों जनरेट कर रहे हैं, ये उतने नंबर वाला वर्ड जो ना रेंडमली पिक करेगा, अरे से रेंडमली पिक करेगा। फर्ज करें वो रेंडम नंबर निकलता है 2, तो हम ये दूसरे पे जो पड़ा हुआ है ना अरे के अंदर दूसरा जो वर्ड है उसको उठा के अब उस पे ये सारे गेम खेलेंगे, ठीक है। अगर वो वर्ड लेट सपोज गैस होता है 4, तो वो मोबाइल को उठाएंगे और मोबाइल से जो है ना वो हम ये गेम खेलेंगे, जितने मोबाइल में लेटर्स है ना उतने हम डैशेज प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आ गई, जाहिर सी बात है मैं वर्ड सेपरेट करना आपको क्लास में सिखा दूंगा अलग से, बट जो मैंने हिंट दी है वो ये दी है कि आप टेम्पररी अरे बनाते जाएं और कॉमा तक रीड करते जाएं नेस्टेड लूप के थ्रू, ठीक है। और आपने ये टेम्पररी अरे में वो वर्ड रीड करना है जो यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करेगा। रैंडम नंबर कहता है कि तीसरा नंबर वर्ड, तो वो आप तीसरे नंबर वर्ड को डिस्प्ले करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, हमेशा रैंडम नंबर यूनिक जनरेट होगा, ठीक है, एस रैंड को यूज करते हुए, और आपका हमेशा वर्ड डिफरेंट आएगा, ठीक है, ये एक फायदा हो गया। तो सबसे पहले पहले हैंगमैन और वर्ड सर्चिंग वाले जो बच्चे हैं उन्होंने सबसे पहला पहला जो काम करना है वो ये करना है कि उन्होंने वर्ड उठाने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब सबसे अब आपने वर्ड उठा लिया, लेट सपोज आपने टेम्प के अंदर एक आपके पास रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ था ना रैंडम, वो लेट सपोज जनरेट हुआ था 4, और 4 पे आपके पास मोबाइल पड़ा हुआ है, टेम्पररी अरे में क्या आ गया, मोबाइल आ गया, मोबाइल आपके पास आ गया। अब सबसे पहले पहले आप इस मोबाइल की लेंथ निकालें, अब वो मोबाइल की लेंथ क्या है 6, तो सबसे पहले पहले आपने लेंथ निकाल के 6 डिजिट प्रिंट करने हैं और 6 डैशेस प्रिंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। अब यहां तक भी हमें आ गया कि हमने वर्ड स्टोर कर लिए, हमने रैंडम नंबर जनरेट करा लिया, हमने वर्ड उठा लिया, एक वर्ड उठा लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, डैशेस प्रिंट कर रहे हैं। अब आप यूजर से इनपुट लेना शुरू करें, बार बार जो है ना इनपुट लेना
ये देखिए, ये मैंने स्टेप सारे लिख दिए हुए, ठीक है। यूजर के पास तीन चांसेस है, ठीक है, तीन चांसेस के बाद गेम फिनिश हो जाएगी, उसके बाद वो मजीद जो है ना वो उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यूजर के पास सिर्फ तीन चांसेस है, तीन चांसेस के बाद वो मजीद जो है ना वो एंट्री नहीं कर सकेगा, और तीन चांसेस के बाद वो लूज कर जाएगा, ठीक है। फिर आप उससे गेम को बंद ना करें उधर, ठीक है, जैसे मैंने असाइनमेंट में भी कहा था कि गेम को बंद ना करें। फिर से उसे पूछे कि आप मजीद गेम खेलना चाहते हैं, अगर वो मजीद गेम खेलना चाहता है तो और उसे वर्ड सजेस्ट करें, ठीक है। तो जितनी बड़ी डिक्शनरी आपकी होगी उतने ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना ये मोबाइल आपके पास, अब उसने गैस किया होगा, एक एक कैरेक्टर लेते जाएं, गैस करते जाएं, और अरे में वो सर्च करते जाएंगे आप बार बार, जहां पे भी सर्च किया होगा ना वहां पे डिस्प्ले कर देंगे आप, ठीक है, वहां उस डैश को आप डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। असल में आप यहाँ पे ना ये जो डैशेज है ना ये कैसे प्रिंट कराएंगे, आप उतने साइज की एक अरे ले लें, ठीक है, और उतने उसमें लेट सपोज आपने एक नई अरे ली है, न्यू अरे, और उसमें डैशेज रखवाए, कितने डैशेज रखवाएंगे उसमें, एक दो तीन चार पांच छह, छह इसमें डैशेज रखवाएंगे, ठीक है। अब ये छह डैशेज कैसे रखवाएंगे, आप जाहिर सी बात लूप चलाएंगे, ठीक है, आए और उसमें डैशेज तरह रखवाते जाएंगे, ठीक है, छह डैशेज रखवाएंगे आप, ठीक है, आपने छह डैशेज रखवा दिए। अब आपने क्या करना होगा, अब इस डैशेज के बाद आपने ये करना है कि जहां जहां पे भी वो वर्ड मैच हो रहा होता है वो मैचिंग कंपेरिजन आप किससे करेंगे, मोबाइल के ये टैंप के साथ, जहां जहां पे वो वर्ड मैच कर रहा है वहां वहां पे डैश खत्म करके वो वर्ड वो स्पेसिफिक कैरेक्टर रखते जाएंगे, पी, लेट्स सपोज पी उसने एंटर किया है तो पी वहां पे रखते जाएंगे, तो जहां भी पी होगा वहां पे सॉरी पी नहीं एम, ठीक है, ठीक है, अगर उसने एम एंटर किया है तो यहां पे वो एम आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दो तीन अरेज आपने बनानी होंगी जो आपको ये हेल्प करेंगी, तो उसके बाद बस मेरे ख्याल में उसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर वो करेक्ट वैल्यू एंटर करता है तो ठीक है, नहीं करता तो लूज कर जाएगा। तो ये असल में ओवरऑल एक फ्लो है हैंगमैन गेम का कि हम इसको किस तरह से बनाएं। अब इसमें शशके क्या हो सकते हैं, शशके ये हो सकते हैं कि अगर वो लूज कर जाए, मतलब अगर आप तीन चांसेस होते ना तो पहले चांस में उसका सर बिल्कुल सीधा होता है, जब पहला चांस जाता है तो सर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, फिर दूसरे में सर और टेढ़ा हो जाता है, तीसरे में वो बिल्कुल लटक जाता है और मर जाता है। तो आप छोटा सा जो है ना एक सी आउट के थ्रू एक छोटा सा एनिमेशन अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको कहूँ सी आउट के थ्रू ट्रेंगल बनाए सर्किल बनाए तो बना सकते हैं इजीली आप स्टार एक के थ्रू ना, तो आप शशक अगर डालना चाहते अगर डालना चाहते हैं तो इस तरह से डाल सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है, ठीक है। और इसमें शशक क्या डाल सकता है कि आप इसमें फाइल हैंडलिंग को यूज करें, ठीक है, फाइल हैंडलिंग में आपको एक कोड शेयर कर दूंगा जिसमें वर्ड्स को कैसे रीड करते हैं वो उसमें आ जाएगा, उसमें वर्ड्स को रीड नहीं, उसमें अरे के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करनी है फाइल में वो आ जाएगा, बाकी वर्ड सेपरेशन वगैरह का काम वही होगा जो आप नॉर्मल अरे के लिए इस्तेमाल करेंगे। मतलब उस फाइल हैंडलिंग का कोड में आपने सिर्फ ये जो काम है ना ये जो इनिशियलाइजेशन हो रही है सिर्फ वो काम फाइल हैंडलिंग के थ्रू हो रहा होगा, बाकी लॉजिक सारा सेम होगा जो आपने इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब आप अगर हैंगमैन वाले बच्चों के कोई क्वेश्चन है या कोई कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे बता दें जी। जी कोई प्रॉब्लम कोई मसला इस हैंगमैन गेम में या वर्ड मैचिंग गेम में? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, जैसे ये वर्ड सर्चिंग गेम है, ठीक है, मोबाइल पड़ा हुआ है चौथे नंबर पे, ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम इसको मतलब अरे में कैसे आई लेस देन 4 या आई लेस देन इज इक्वल टू, नहीं 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 नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, देखो ना अब यही तो ट्रिक है ना। अब असल में होगा क्या यार, तुमने एक लूप लगाया है, मिसाल के तौर पे तुम्हें करवा ही देता हूं, तुमने एक लूप लगाया int i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन लेट्स सपोज सॉरी अरे आप i जो है वो तुमने लगाई है कि Not equal to null. जब तक ये null नहीं आता ना तब तक तुम चलते रहो और i की वैल्यू भी लगती रहती है। अच्छा अब ये तो आपकी अरे है, आपने इसमें if लगाया हुआ है कि यार जैसे ही कॉमा आए ना, जैसे ही कॉमा आए अरे अब आए जैसे ही कॉमा आए ना आपने अरे के अंदर क्या रखना है और टेम्प के अंदर क्या रखना है, टेम्प को आपने कैसे मैनेज करना है ये आपकी सोच है,
है, उसमें नल रखवा दो, अदरवाइज उसमें क्या रखवा दो, एल्स उसमें क्या रखवाना है, एल्स टेम्प के अंदर टेम्प ऑफ जे इज इक्वल टू अरे ऑफ आई, ठीक है। अब ये अब होगा क्या, जब भी, और यहां पे जो ना एक आप काम ने आपने और भी करना है, जे की वैल्यू पहले जीरो से इनिशियलाइज होगी और यहां पे जब नल हो जाएगा ना तब भी उसको जीरो से इनिशियलाइज करना है। अगर मैं आपको कहूं कि ये लूप आप चलाएं तो देखें सबसे पहले पहले क्या होगा, यहां पे ए पड़ा हुआ है, ए कामा के बराबर नहीं है, चुप करके टेम्प की वैल्यू इसकी सेट हो जाएगी, पहले इसमें ए आ जाएगा, फिर इसमें पी आ जाएगा, फिर अगला पी आएगा, फिर दूसरा एल आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा। अब कॉमा आ गई, जैसे इसमें कॉमा आई टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा, नल आ गया, ठीक है। आप इधर एक काउंटर भी लगा सकते हैं जो आपको बता दे कि ये कौन सा नंबर वर्ड है, ठीक है। लेट सपोज आपने एक काउंटर है जो इनिशियलाइज किया हुआ है जीरो से, ठीक है। अब मैं इस तरह प्रॉपर कोड तो नहीं लिख रहा पर थोड़ा आपको समझाने के लिए, अब यहाँ पे आपने काउंट प्लस प्लस किया होगा कि भाई जितनी दफा भी कॉमा आई ना उतनी दफा मेरे पास क्या है, उतने मेरे वर्ड हो गए। अब जो रैंडम नंबर है वो क्या कहता है कि रैंडम नंबर कौन सा है, वो कह रहा था कि चौथा नंबर जो रैंडम है, जो चौथा नंबर जो है, चौथे नंबर पे जो वर्ड है वो उठाना है आपने। तो आप यहाँ पे इफ लगा दें कि यार काउंट की वैल्यू जब 4 के बराबर हो जाए तो आप ब्रेक कर दें, आप मजीद जो वर्ड इसमें टेम्प के अंदर स्टोर करना ना। अब देखो ना टेम्प के अंदर हर दफा नया वर्ड आएगा, पहले टेम्प के अंदर क्या आएगा, टेम्प के अंदर पहले आएगा ये अपना इसमें कौन एप्पल, ठीक है, फिर टेम्प के अंदर आएगा बुक, ठीक है, एप्पल रिप्लेस हो गया होगा अब उसमें बुक आ गया होगा, फिर उसमें टीचर आया होगा, फिर उसमें मोबाइल आया। अब जैसे ही मोबाइल पे हम पहुंचे होंगे और ये इसके एंड में भी कॉमन था, जैसे ही मोबाइल के अंदर हम पहुंचे होंगे और कॉमा देख ली तो काउंट की वैल्यू भी 4 हो जाएगी और हम ब्रेक कर जाएंगे। तो टेम्प के अंदर क्या रह जाएगा, ये लूप के बाहर अगर टेम्प को मैं सी आउट करवाऊं, इस लूप के बाहर अगर मैं टेम्प को सी आउट करवाऊं तो क्या प्रिंट होगा, शाबाश, तो मेरे पास मोबाइल प्रिंट होगा, ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि हमने वो पर्टिकुलर वर्ड है ना वो हमने इजीली गेट कर लिया। अब ये मैंने आपको वर्ड जो है ना जो कॉमा लगा के अगर लगे हुए हो तो सेपरेट कैसे करते हैं उसका एक कोड, पूरा कोड ही बता दिया है उसका, ठीक है ना, कि वर्ड को आपने कैसे सेपरेट करना है। तो ये आप लोगों के लिए जो लोग हैंगमैन बना रहे हैं या वर्ड सर्च वो बना रहे हैं, तो डिक्शनरी से वर्ड आपने कैसे निकालना है ये एक तरीका है जिससे आप वो वर्ड निकाल सकते, ठीक है, क्लियर। बाकी ज्यादा बाकी ज्यादा तो अब जाहिर सी बात है मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो तो मैंने बता दी है, इससे ज्यादा जो है ना वो हो नहीं सकता, मैं अगर बता दूंगा तो फिर प्रोजेक्ट का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, ओके। मेरे ख्याल में अब ये मैं हैंगमैन के अगर आपके क्वेश्चन है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, बट उसके अलावा